नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेने हैं प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सीनरी रह सकता है अब ऑलरेडी अपलोडेड थ्री स्टॉक्स अलग से जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था किसपे फोर्टी परसेंट का रिटर्न मिल सकता है किसमें ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न मिल सकता है विद इन सिक्स मंथ्स सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर वीडियो के एंड में आपको यहां पर शो कर जाएगी वो वीडियो आप जाके क्लिक करिएगा एंड ऑलमोस्ट जो स्टॉक मैंने कल रिकमेंड करा था वो ऑलमोस्ट फोर परसेंट का रिटर्न दे चुका है सो so, आज के स्टॉक्स भी हमारे बहुत अच्छे गए थे अब जो आज स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने वाला जो स्टॉक्स आप लोग कल बाय करेंगे वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ढाई बजे अराउंड टू थर्टी पी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था इन स्टॉक्स को आप वॉच करके चल सकते हो आप वो टाइम देखिएगा एंड उसके बाद उसके लेवल्स देखेगा और अब टाइम के साथ लेवल्स देखेगा दो तीन स्टॉक्स ने तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया एंड अच्छे लेवल्स पे जाके ऊपर क्लोज करे हैं एंड वो अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करें तो अमराजा बैटरी अमर अजा बैटरी भी मैंने आप लोगों को दिया था एंड ऑलमोस्ट इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा था विच ट्रेंड लाइन इज दिस रेड कलर के जिसपे इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है और इससे दस रुपये भी ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है सो so ऑलमोस्ट इसमें मुझे अभी एटीन नाइनटीन रुपीज मिल रहे हैं पर क्वान्टिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया एक स्ट्रांग अप मूव एंड उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज आर हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इसका एक ब्रेकआउट आया है सो so डेफिनेटली अगर कल ये इसी लेवल को रीटेस्ट करता है जैसे कि नाइन फिफ्टी फाइव को आप दोबारा बाई इनिशिएट कर सकते हैं बट इफ यू आर स्टिल होल्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ थाउजेंड थाउजेंड प्लस तक के ठीक है और नेक्स्ट स्टॉक इज डाबर डाबर भी मेरे पास है जिस टाइम मैंने आप लोग को बताया उसी टाइम हम लोगों ने भी बाय करा है एंड ये भी कम से कम चार रुपये पाँच रुपये दे रहा है मुझे इस टाइम आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट है और एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया है ब्रेकआउट दिया रीटेस्ट करा एंड एक दोबारा उसके ऊपर अप मूव दे दी है सो यस इट्स अ गुड बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ये बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकता है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक पर भी हम लोग एक बाय इनिशिएट करके डेफिनेटली चल सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल का जो प्राइस है वो है फाइव का आप अभी भी बाय बना सकते हैं अगर कल डिप मिलती है तो भी बाय बना सकते हैं और आपको ये अच्छे टारगेट्स ऑलमोस्ट फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव तक के भी दे सकता है तीन चार दिन के अंदर अंदर तो स्टॉक को भी आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं अ नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने प्रोवाइड करवाया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में विच इज एमसी ये भी हमारे पास है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट एंड अगेन इट गेव अ ब्रेकआउट ठीक है और ये वाला स्टॉक तो मैंने ये वाली जो हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल है मैं तब से होल्ड कर रहा हूँ और उसी टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं सो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक मेरे जो टारगेट्स हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट हंड्रेड्रेड फिफ्टी प्लस के हैं सो so, मुझे अचानक आराम से अचीव हो सकते हैं विद इन अ वन वीक सो ये स्टॉक मेरे पास आई एम स्टिल होल्डिंग आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा बट तब भी आप लोगों को फायदा इसमें मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट टॉक इज डॉक्टर रेडीज डॉक्टर रेडीज को चेक करते हैं एंड सिमिलर काइंड ऑफ इस पर भी एक तरीके का ब्रेकआउट ही है यस yes. आप इधर चेक करेगा लेट मी शो यू यस आप देखिएगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया है ठीक है इस लेवल से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया एंड ये जो ब्लैक कलर की अपसाइड वाली लाइन है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का भी काम करती है बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने देखा फर्स्ट टाइम एक बार ब्रेकआउट आया उसके बाद से ये स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज आप देख सकते हैं कि सारी कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है रेड कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दे पा रही है सो डेफिनेटली यहां पर इसने क्लोजिंग दे दिया आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर और यहां पर एक फ्रेश बाइंग जनरेट हो सकती है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 5300 तक भी जा सकता है so सो स्टॉक को भी हम लोग वॉच कर सकते हैं अभी राइट नाउ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5272 पे एंड 5272 पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं Almost का आपको टारगेट दे सकती है बिकॉज लाइफ टाइम पे ट्रेड कर रहा है एंड ब्रेकआउट दिया एंड रिटेस्ट एंड रिटेस्ट के बाद दोबारा ऊपर गया है सो यह एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन के ऊपर हमें बाय करना है विच लाइन इज दिस दे रेटेज ये एक लाइन है मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस लाइन के ऊपर हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है मतलब एट एट्टी के ऊपर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं 834 सॉरी 834 के ऊपर हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 850 तक का भी ये टारगेट आपको दे सकता है इंट्रा के अंदर तो स्टॉक को भूलेगा मत एंड डेफिनेटली ये पाँच स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे आई एम स्टिल होल्डिंग दीज फाइव स्टॉक्स एंड अगर मुझे कल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आप लोगों को ढाई बजे के करीब दोबारा स्टॉक्स बता दूंगा ठीक है गाइस एक कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ की आप लोगों को हेल्प चाहिए आप मुझे बताइएगा कि मैं लाइव स्ट्रीम में आऊं क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अराउंड ढाई बजे से साढ़े तीन बजे तक आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में आऊँ देखेगी मार्केट किस तरीके से चल रही है आपके थोड़े स्टॉक्स के क्वेरीज होंगी क्वेश्चन होंगे डाउट्स होंगे उसे क्लेरिफाई करा जाए सो so, अगर सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट अगर थाउजेंड प्लस लाइक क्रॉस होते हैं सो आईल डेफिनेटली स्टार्ट लाइव स्ट्रीम मतलब मैं ऑल्टरनेटिव डेज में करूंगा ठीक है सो so, अगर इसमें थाउजेंड लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो में सो so डेफिनेटली मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूंगा ढाई बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक और हम लोग बात करेंगे सो so, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ